सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल में आया एक दिलचस्प मोड़, जहां बापोद्रा और सुशीला अपने बच्चे के साथ हैं, खुश हैं और दोनों अपने बच्चे को खिलाने में व्यस्त हैं। बापोदा जिद करता है कि वो बच्चे को लेकर बाहर जाएगा, लेकिन सुशीला उसे मना कर देती है। तो क्या घर के कारण जिंदगी का घर में ही रहेगा ये? हाँ। असल में सुशीला इसलिए मना करती है क्योंकि कुछ दिन पहले उसका बच्चा किडनैप हो गया था, जिसे अश्विन ने बचाया था। इस वजह से सुशीला डरी हुई है और अपने बच्चे को बाहर ले जाने से मना कर रही है। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब पुष्पा मंदिर से आती है बच्चे के लिए रक्षा सूत्र और प्रसाद लेकर। पुष्पा बच्चे के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और मिठाई बापोद्रा को देती है, फिर बच्चे को प्यार से गले लगाती है। लेकिन बापोद्रा फिर भी बच्चे को लेकर बाहर जाने की जिद करता है, जबकि सुशीला बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगती है। बोल रहे हैं कि कोई बच्चे को छुएगा नहीं, कोई कहीं ले नहीं जाएगा, इन सब बच्चा जिंदगी भर घर में ही रहेगा। ऐसे होता है मैं गलत हूँ क्या पुष्पा? बापोद्रा पुष्पा से कहता है कि अश्विन का हम पर एहसान है, उसने हमारे बच्चे को बचाया। लेकिन अश्विन ने जो किया ना बच्चे, वो कभी नहीं करा। इस पर पुष्पा कहती है, इसमें क्या हुआ, ये तो हमारे परिवार है, ये हमारा फर्ज है। फिर सभी बच्चे को प्यार करने लगते हैं। तो अब इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे क्या नया मोड़ आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।